पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में जो हिंसा की घटनाएं घटी हैं उसको लेके हम सब लोग चिंतित हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से जो जो कदम हम उठा सकते थे हमने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सबका नुकसान हुआ है, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। एक पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई, एक आईबी ऑफिसर की मौत हो गई। तो इस किस्म की घटनाओं का, इस हिंसा का से किसी को फायदा नहीं हुआ। कल से हिंसा की वारदातें कम हुई हैं और मैं कल शाम को दौरा करके आया था कई सारे इलाकों का जहां सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं घटी थी। कर्फ्यू लगा हुआ है तो आज हमने कई सारी मीटिंग्स की हैं और जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, जो दंगे से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के राहत के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो इंजर्ड लोग हैं, जो जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनको तो हम पूरी उनका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको आप वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। आज शाम तक ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। तो अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज उसमें हमने क्राइम इन्फेक्टेड अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जो लोग इलाज करा के चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी जो लोग प्राइवेट में अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, या आगे अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुर्घटना हो तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, कर्फ्यू वाले एरियाज़ के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की वजह से वो लोग निकल नहीं पा रहे, वहाँ पे हम दिल्ली सरकार खाना पहुँचाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया आज से, और इसमें हम एनजीओज़ की मदद ले रहे हैं, आरडब्ल्यूएस की मदद ले रहे हैं, लोकल एमएलएज, काउंसलर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ज़रिए हम खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, वो नंबर्स की डिटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे। और एसडीएम्स को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया इन सभी हेल्प डेस्क के लिए। ये जो अफेक्टेड एरियाज हैं इसमें 6 एसडीएम्स हैं अभी और 12 एसडीएम्स को और नियुक्त किया जा रहा है, तो टोटल इस एरिया में 18 एसडीएम्स हो जाएंगे ताकि और गहन तरीके से यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। 4 नाइट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपये का मुआवजा,
अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपये प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा ख़राब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपये का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपये का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए, और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कमर्शियल यूनिट दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटैंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। जैसे मैंने कहा कि हेल्पलाइन भी है, ऑफिसर्स के दफ्तर भी हैं, लेकिन एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, एक आध दिन में वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए लोग अपने यहाँ पर इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनके उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भरवा लिए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए, उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे ताकि उनको ये कागज़ दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में, मैं जब कल गया था चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारों तरफ जले हुए, तो उन उस एरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्रवाई करें। मोहल्ले के लेवल पे हर जगह पीस कमिटीज बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी वहाँ पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोज़गार ख़त्म हो गए उनको इजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सके। कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी CBSE और ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए, उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतज़ाम करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स हैं। मैं खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनको, उन्होंने बहुत शानदार काम किया, सभी डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया। मैं खुद भी गया था कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई बार गया था और रात दिन मेहनत की है डॉक्टर्स ने भी और सभी कर्मचारियों ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर, और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ।